लोगों ने एकदम समर्थन दिया है सडान को। चलो भाई ठीक है, तो अब हम अपना ये मेन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन में देखो बेसिकली क्या है। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छा ठीक है। तो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब देखो इस रिप्रोडक्शन के अंदर सबको पता होगा कि ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, राइट। तो जिसमें यूजुअली क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से बेसिकली नए नए ऑर्गेनिजम्स आते हैं, राइट। जैसे एक प्लांट है, तुमने एक प्लांट उगाया, लेकिन उस प्लांट से ही तुमने देखा कि कुछ नए नए प्लांट्स भी आ गए हैं, तो ये भी एक रिप्रोडक्शन है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक अमीबा देखा, तुमने देखा उस एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा आ गए हैं, ये भी क्या है, एक रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो ऐसे ही हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, मेल फीमेल होते हैं। तो तुमने देखा कि जब किसी भी की कपल की मैरिज होती है, तो थोड़े तो कुछ टाइम बाद उनकी बेबी होता है, तो एक तरह से न्यू पॉपुलेशन आ रही है, राइट। तो ये सब क्या प्रोसेस होता है, तो इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन एवरीबॉडी, कैन आई से इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग, नए नए ऑर्गेनिजम्स का आना। ओके ऑफस्प्रिंग का मतलब बच्चे, नए नए नई ऑर्गेनिजम्स का आना। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। यस सर। तो मेरे पास ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। सो बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस, सो रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अच्छा जो बेबी होते हैं वो उन्हीं पेरेंट जैसे होते हैं या किसी और के जैसे होते हैं? यस आइडेंटिकल आइडेंटिकल होते हैं ना, अगर किसी और के होंगे तो फिर तो गड़बड़ है वो। तो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स सेम काइंड, ठीक है, ऑफ इट्स सेम काइंड। ठीक है भाई, तो ये है मेरे पास रिप्रोडक्शन। अब देखो अब ये रिप्रोडक्शन है, तो जैसा तुम लोगों को पता है कि रिप्रोडक्शन यूजुअली देखा जाए तो ये दो टाइप में लिया जाता है, मैं राइट। तो एक होता है मेरे पास सेक्सुअल, और एक मेरे पास क्या होता है, एसेक्सुअल, ठीक है। रिप्रोडक्शन तो देखो अब जैसे कि तुमको पता है कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, राइट, मेल और फीमेल पेरेंट्स होते हैं, मॉम डैड। तो जो मॉम डैड वाला सिस्टम है, ये मेल फीमेल वाला सिस्टम है, तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है। तो इनके अंदर हम क्या बोलते हैं, कॉल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिनके अंदर मेल फीमेल वाला सिस्टम है ही नहीं, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई सेक्स नहीं होता, उसका कोई ना तो मेल होता है ना उसके अंदर कोई फीमेल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, एसेक्सुअल बोलते हैं उसे, ठीक है। तो वो जो भी वो सिंगल पेरेंट होता है वो डायरेक्ट ही बेबी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इफ आई आस्क यू अबाउट टाइप्स, तो हम क्या बोलेंगे, तो एक है मेरे पास एसेक्सुअल और एक है मेरे पास सेक्सुअल। अच्छा तो इनके बीच में कोई डिफरेंस है या दोनों एक जैसे ही है, बस नाम का फर्क है, स्पेलिंग का फर्क है? सर एसेक्सुअल में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में दो। एसेक्सुअल में जो बेबी मतलब जो भी ऑफस्प्रिंग होता है वो एकदम डिट्टो होता है पेरेंट का, और सेक्सुअल एसेक्सुअल में में, दोनों। राइट, हाँ ठीक है, सेक्सुअल में दोनों के। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला है। तो देखो अभी हम इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ ये जो मेरे पास रिप्रोडक्शन हुआ तो इसका एडवांटेजेस क्या है, रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज होता है? सो जनरेशन आगे जनरेशन करना, अगर रिप्रोडक्शन आप मान लो सब स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है, मान लो कोई एक आया उसने बोला आज से रिप्रोडक्शन एकदम स्टॉप, तो सबका रिप्रोडक्शन एकदम स्टॉप हो गया, कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो आज से 100 साल बाद कोई जनरेशन रह पाएगी लाइक अर्थ के ऊपर? स्पीशीज खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, एकदम कोई राजी नहीं करेगा, मिट्टी हवा से उधर से उधर जाएगी बस, पानी उधर से उधर जाएगा बस, क्योंकि कोई बचा ही नहीं है, पत्ते उड़ेंगे हवा में, ठीक है। तो बस यही होगा, ना कोई चिड़िया रहेगी, ना चींटी रहेगी, ना हाथी रहेगा, ना बिल्ली रहेगी, ना कुत्ता रहेगा, और इंसान भी नहीं रहेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो कहना ही से इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द अर्थ। बस बस ज्यादा डिटेल में नहीं सोचना है कि ओ वाओ कितना सब ब्यूटीफुल संसार हो जाएगा, संसार तो तभी होगा ना जब कोई रहेगा, ठीक है, सब नॉन लिविंग रहेगा और कुछ नहीं, लिविंग लिविंग सब मर जाएंगे। हाँ वैसे ये हो सकता है कि एसेक्सुअल वाले फिर भी मतलब वेजिटेरियन रिप्रोडक्शन भी होता है, तो कुछ प्लांट्स में भी जिंदा रह जाए, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसा वेजिटेरियन रिप्रोडक्शन भी करते हैं, तो उनमें कोई ना तो सेक्सुअल होता ना एसेक्सुअल। हाँ तो एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज होता है, राइट, सबको पता होगा ये बात, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद एक तो ये चलोगे और क्या कह सकते हैं, कहना इसे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करता है, am I right? सर So it ensure the continuity of the life
तो इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, एक के बाद एक नई जनरेशन आती रहती है। कहते ना कि देखो देखो मैं इस कॉलेज से पास आउट हुआ था, मेरा बच्चा भी इसी कॉलेज से पास आउट हो रहा है, आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे करते हैं ना कुछ बच्चे कि मैं भी इस स्कूल से पास आउट हुआ था और मेरा बच्चा भी आगे जाके इस स्कूल से पास आउट होगा, यहाँ के टीचर इतने अच्छे बच्चे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि देखो हम तो सागर सर से पढ़े थे और आने वाले टाइम में जब हमारे बच्चे होंगे तो हम भी उन्हें सागर सर से ही पढ़ाएंगे, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग, पता नहीं क्यों बोलते हैं लोग। ठीक है, मैं तो खुद अभी इतना यंग हूँ, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है तो आने वाले तुम्हारी क्या होगी। ठीक है, अच्छा और क्या एडवांटेज हो सकता है भाई, सिमिलर कैरेक्टर भी तो ट्रांसमिट होते हैं राइट, तो ये पासेस दी सिमिलर कैरेक्टर भाई, ऑफ कोर्स ही बात है सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है कि मान लो कोई हाथी था और उसके घर पे कौन पैदा हुआ है, छोटी सी चींटी पैदा हुई है, ऐसा नहीं होता ऐसे। ठीक है, तो इसी तो चींटी हाथी के जोक बनते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, तो हाथी होगा छोटा सा, तो पासेस ऑन दी सिमिलर कैरेक्टर्स, तो उनके बच्चे उन्हीं के जैसे दिखने चाहिए, वरना वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ना। मान लो दो एक मंकी है, एक फीमेल मंकी और उन्हें घर पे गीदड़ पैदा हुआ है, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहेंगे कौन है भाई तू। ठीक है, भगा देंगे उसे मार के, तो इसीलिए तो पेरेंट्स से सिमिलर कैरेक्टर जाएंगे तभी तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, या मान लो कोई मदर है ह्यूमन वाली, उसे घर पे अंडा हुआ है, कह रही संडे से मेरा बेबी निकलेगा, ऐसा नहीं है, वी आर नॉट ओवी पेरेंट्स। ठीक है, दैट्स व्हाई। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक है, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है राइट कि मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आ गया। तो ये बायोलॉजी, तो ये सब वेरी गुड, तो ये सब एडवांटेजेस हैं रिप्रोडक्शन के, तो ये सब लिखना है। कुछ लोग अजीब अजीब टाइप के एडवांटेजेस देते हैं तो मैं उनको डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ बदतमीज बच्चे होते हैं जो बड़े ही गंदे गंदे टाइप के एडवांटेजेस सुनाते हैं रिप्रोडक्शन के, तो प्लीज उनको ना लिखें, क्योंकि अगर तुमने एग्जाम में लिखा, एक बच्चे से ऐसे ही पूछा गया था, एक बार एग्जाम में आया था, वो 12th का बच्चा था, उससे यही पूछा गया था कि बताओ क्या सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्शन का, तो उसने अपनी कुछ ऐसी ऐसी फैंटेसीज लिख दी कि उसको 3 साल के लिए रेस्टिकेट कर दिया गया है, उसने अपना सब लिख दिया गंद समझो वो सोचता था। तो इसीलिए पेपर में अगर कोई ऐसा दिमागी तौर पे ठीक नहीं है या तो मैं बहुत ज्यादा लिखने का शौक है, तो प्लीज ये सब अपने प्राइवेट में रखें, पेपर में अपनी कलाकारी दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके घर पे तो पिटाई हुई, पुलिस भी पकड़ के ले गई, ठीक है, थोड़ा कूटा गया अच्छा सा, और 3 साल के लिए उसको पेपर से बैन कर दिया गया कि 3 साल तक पेपर नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि उसको लगा कि जब कोई टीचर पढ़ेगी तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन उसको वो ये भूल गया था कि अगर वो खुद मेल है तो मेल भी तो पढ़ सकता है, और अगर मेल मेरे को लिखता है तो तुम जानते हो फिर, वैसे तो कोई भी टीचर होता तो ऑफकोर्स एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन अब जिस पर्पज से तुम लिख रहे हो तो वो सब चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। ठीक है, तो ये ऐसा हुआ था, तुम सर्च कर लेना, तो 3 साल के लिए उस पर बैन लगाया गया था उस बच्चे पे। ठीक है, तो अब मेरे पास आते हैं टाइप्स, तो एक मेरे पास होता है एसेक्सुअल एज आई सेड, और एक मेरे पास होता है सेक्सुअल। तो अगर मैं एसेक्सुअल की बात करता हूँ तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि मेरे पास क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होगा, सिंगल पेरेंट। अच्छा, जब ये रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो अब रिप्रोडक्शन करेगा तो इसके अंदर ना मैंने तुम्हें डिवीजन बताऊंगा अभी आगे जाके, तो इसे हम बोलते हैं माइटोसिस। तो इनमें जो सेल डिवीजन होते हैं, शायद मैंने बताया होगा, हाँ वेरी गुड, तो ये जो सेल डिवीजन होती है इनकी, तो वो ये माइटोसिस होती है इनकी। ठीक है, ताकि मदर, देखो अगर पेरेंट है तो पेरेंट और बच्चों का क्रोमोसोम हमेशा सेम रहना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग ये चीज देखी गई है, तो इसीलिए ये चीज सेम रहे, तो इसके लिए हमें ये बात बताई गई है। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि अच्छा मान लो ये एसेक्सुअल है, तो एसेक्सुअल के अंदर एक ही पेरेंट है या तो एक ही है, तो वेरिएशन ज्यादा आएगा कम आएगा, ज्यादा नहीं कम आएगा, कम आएगा, एक सिंगल पेरेंट है तो सिंगल पेरेंट से बिल्कुल वो अपने पेरेंट जैसा तो दिखेगा। ऐसा भी हो सकता है कि तुम भूल ही जाओ कि कौन बाप है कौन बेटा, पहली बात तो उसे बाप नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो ना तो बाप है ना मदर है ना मम्मी है, भाई वो पता नहीं क्या है, जो भी है वो उसका पेरेंट बोल सकते हैं, तो तुम्हारे सामने पेरेंट खड़ा है और उसका बेबी खड़ा है, तो तुम पहचान नहीं पाओगे कौन पेरेंट कौन बेबी, क्योंकि तुम कैसे, तो क्या पता ये बुड्ढा हो गया, बुड्ढे होकर छोटे से हो जाते हैं ना, तो इससे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। ये तो रहता होगा ना कि वो जैसे बचपन में दिखता होगा, बचपन में वो ऐसा दिखता हो और फिर वो बड़े होके फिर एग्जैक्ट दिखे। हाँ वेरी गुड शाबाश। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्या एसेक्सुअल, तो ये सिंगल पेरेंट है, माइटोसिस से पता नहीं क्या बोला इसने पर अच्छा लगा सुनकर। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास जो वेरिएशन होता है, ज्यादा आएंगे कम आएंगे, तो वेरिएशन हमारे पास आएंगे कम। ठीक है, तो वेरिएशन लेस या हाई, ऑफ कोर्स लेस, डीएनए के अंदर कम चेंज आता है।
ठीक है मेरे बच्चों, हाँ ऐसा हो सकता है, वैसे मुझे समझ ये बोलना चाह रही होगी आई गेस कि जब छोटे होते तो वो कुछ और दिखता होगा, जब बड़ा होता होगा तो थोड़ा कुछ चेंज आता होगा, हाँ ठीक है इतना हो सकता है। ठीक है तो ये एसेक्सुअल है। अब अगर मैं सेक्सुअल की बात करता हूँ, अच्छा ये एसेक्सुअल वाले एडवांस होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, थोड़े थोड़े से प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है ना, ये ज्यादा एडवांस नहीं होते, एडवांस होते हैं। अबे एसेक्सुअल वाले नहीं सर, सेक्सुअल वाले एडवांस होते हैं। जिस दिन ह्यूमन बीइंग के पास एसेक्सुअल की पावर आ जाए ना, उस दिन तुम भूल जाओ कि अर्थ स्टेबल हो पाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर पूरे अर्थ के ऊपर इंसानों का कब्जा हो जाएगा, ना तो प्लांट रहेंगे, ना गिलहरी रहेगी, ना लोमड़ी रहेगी, ना गीदड़ रहेगा, ना बकरी रहेगी, हर जगह पे इंसान, चाहे कोई सा कोई जंगल नहीं बचेगा। क्यों? जब सेक्सुअल करने के बाद इंसान की इतनी पॉपुलेशन हो सकती है तो सोचो एसेक्सुअल करने के बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है। तो इसीलिए थैंक्स टू गॉड कि एसेक्सुअल नहीं है, क्योंकि एसेक्सुअल का मतलब क्या है, मान लो तुम्हारा ये हाथ है, तुम्हारा हाथ थोड़ा सा यहीं पर गिर गया, तो यहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म आ गया। मान लो तुम्हारे बाल गिर गए, बाल से एक नया ऑर्गेनिज्म निकल के आ गया कि मैं हूँ दिएश दूसरा सक्षम, या दूसरी सुहानी, या मैं हूँ तीसरी हर्षिता। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मान लो तुम नहा रहे थे, नहाते तुम्हारे बाल गिर गए और वहीं से दो ऑर्गेनिज्म और आ गए कि अब हम भी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेरेंट कहेंगे हमारे तो एक ही बेबी था, बताओ 100 हो गए हैं, क्यों? क्योंकि इसी से आ गए 3-4 और। तो ऐसा नहीं है। सेक्सुअल की बात की जाएगी तो मेरे पास 2 पेरेंट्स हैं, तो 2 पेरेंट क्या डिफरेंट सेक्स के होने चाहिए या सेम? आजकल तो कुछ भी होता है, तुम भी जानते हो, तो वो सब नहीं सोचना है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं तो हमें पता नहीं, लेकिन 2 पेरेंट बेबी तभी होगा जब 2 पेरेंट के बीच में क्या होगा, 2 डिफरेंट सेक्सेस होंगे, ठीक है। आजकल तो तुमने देखे होंगे कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो कि डिफरेंट सेक्सेस में बिलीव नहीं करती हैं, तो वो कोई कमी नहीं है, वो उनका इंटरनल मैकेनिज्म हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा सिस्टम है तो उनको फिर बच्चे, अगर उनको बच्चा चाहिए, अगर उनको बेबी चाहिए, तो उनको गोद लेना पड़ता है, क्योंकि सेम सेक्सेस कभी भी ये चीजें नहीं कर पाते, ठीक है एवरीबॉडी। अगर मान लो मेल मेल है या फीमेल फीमेल है, ठीक है, तो ये सब चीजें उनके कभी नहीं हो सकता। तो हमेशा बेबी के लिए एक मेल और एक फीमेल हमें चाहिए ही होता है। नहीं आया कुछ समझ? सर अच्छा, तो अब ये ठीक है अरे भाई डराओ मत, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट सेक्सेस है, मेल और एक फीमेल, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। अब इनके बीच में जो होगी ना, देखो अब इनके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं तो बेबी डबल हो सकता है, तो इसलिए इनके पास जो डिवीजन होती है वो होती है मियोसिस। मियोटिक होती है ना? हाँ, मियोटिक को मियोसिस ही बोलते हैं, तो मियोसिस सेल डिवीजन होगी। आई बताएंगे कैसे होती है ये सब। इनके अंदर वेरिएशन ज्यादा आएगा कम आएगा? ज्यादा। इनके अंदर जो वेरिएशन होगा वो थोड़ा ज्यादा आएगा, क्यों? जैसे मान लो तुमने देखा होगा ना कि जब भी किसी का रिश्ता होता है तो जो लड़की ढूंढते हैं वो कहाँ की ढूंढते हैं, अपने घर की देखते हैं या कहीं बाहर की देखते हैं? बाहर की देखते हैं, राइट, मतलब फैमिली से थोड़ा दूर देखते हैं, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा अलग होगा उतना ही ज्यादा जो आने वाली जनरेशन होगी वो उतनी एडवांस होगी। जैसे मान लो अगर ये साउथ की है तो मान लो ये नॉर्थ की लड़की है, अगर इनकी शादी होगी तो इनके आगे जाके जो नई पीढ़ी आएगी, नई जनरेशन आएगी, तो उसको बोला जाएगा ये न्यू वेरिएंट, इसके अंदर ये ज्यादा एडवांस है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अमेरिका भाग जाओ, नागालैंड चले जाओ, कहीं और चले जाओ, नेपाल चले जाओ, चाइना चले जाओ, और फिर वहां से जाके एक नई जनरेशन को लेकर आओ कि ये देखो ये ज्यादा एडवांस है इसलिए हमने ऐसा किया है, तो पिटाई होगी घर पे अलग, वो अलग बात है, ठीक है। तो वेरिएशन आई होता है। हाँ हाँ यस, एडवांस के सेंस में मतलब एडवांस ही, एक्चुअली ऐसा एडवांस नहीं कि एक्समैन बन जाएगा या सुपरमैन बन जाएगा। एडवांस कहने का मतलब है हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो तुम इन्वायरमेंट के साथ चेंज होने के लिए हमारे डीएनए को भी चेंज होना पड़ता है। जैसे आज से एक हाँ अडेप्टेशन, यस इवोल्यूशन जिसे बोलते हैं। अगर आज से अगर मान लो मैं 50 साल पहले की बात करूँ, तो जैसे मान लो तुम्हारे कोई दादा परदादा होंगे, अगर मैं आज के इन्वायरमेंट में उन्हें रख दूँ तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी उन्हें आज के एटमॉस्फेयर में जिंदा रहने के लिए। इतना पॉल्यूशन है, इतनी ऑक्सीजन थोड़ी कम है, इतना ज्यादा पानी इतना क्लीन नहीं होता है, मतलब अलग अलग टाइप की चीजें हैं बहुत सारी। तो पहले के लोग थोड़ा ऐसे चलते थे, लेकिन आज तुम एडवांस हो, एकदम सीधे होके चलते हो। तो ये सब चीजें जो एडवांसमेंट आया है ये क्या है, ये सब डीएनए की वजह से ही आया है। नए नए फैमिलीज जब जुड़ते हैं, नए नए बेबीज आते हैं, तो उससे मतलब चेंज इन्वायरमेंट के लिए तुम्हें अपने डीएनए को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आज से मैं 200 साल पहले का गोरिल्ला ले आऊं, गोरिल्ला मतलब जो तुम थे पहले कभी,
आदि मानव टाइप के, तो क्या वो आज के जमाने में जिंदा रह पाता? बिल्कुल नहीं रह पाता. क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा चेंज होता रहता है. इतना पॉल्यूशन है आज के टाइम पे, इतनी सारा इन्वायरमेंट, इतना सारा कंपोजिशन में चेंज हुआ है, पानी में चेंज हुआ है, खाने के जिसमें बिहेवियर में चेंज हुआ है. तो ये सब चीजें. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. ये सब डीएनए की वजह से ही होता रहता है, ठीक है. तो ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी चेंज हो सकता है. जैसे बुरा, अच्छे का तो चलो ठीक है, तुम सरवाइव कर पा रहे हो. क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको दिक्कत हो रही है कि सर मैं सरवाइव नहीं, मेरे को सांस नहीं आ रही, मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, आई एम फीलिंग वियर्ड, आई एम बिकमिंग स्कैरी वर्जन ऑफ माई सेल्फ, कोई है ऐसा? यस शर्माओ मत. यस हर्षिता, आर यू ओके? यस सुहानी. तो हम सब क्या है? हम सब सारे सारे एडवांस है, मतलब. तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही है. जिसने, जिसको दिक्कत होने लग जाएगी इसका मतलब वो प्रिमिटिव है, लेकिन उसके चांस कम है. क्योंकि हर कोई ही ऐसे देखा जाए तो दूसरी फैमिली में शादी होती है जिससे एडवांस आता है, डीएनए चेंज होता है इसीलिए, ठीक है. अच्छा, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये ज्यादातर किसमें हो देखा गया एडवांस, मतलब सेक्सुअल किसमें देखा गया एडवांस में? हाँ, ह्यूमंस हो गए, बहुत सारे एनिमल्स हो गए, ठीक है भाई. किसी कोई दिक्कत है? अब देखो तुम्हें पता है कि एक रूल है, जो पेरेंट के क्रोमोसोम होते हैं वही इन सबके होने चाहिए. जैसे मान लो ये कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ना तो इसमें मेल है ना फीमेल है. तो अगर मान लो इसके पास क्रोमोसोम कितने हैं, 20, तो जो आगे जाके इसका बेबी आने वाला है उसके पास भी कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए. इन्फिनिटी 20. ओके, तो अब इससे अगर ये आया है तो बताओ, ऐसा तो तभी हो सकता है ना. ऐसा कब हो सकता है? जब इन्होंने क्या करी हो, माइटोसिस की हो. क्योंकि माइटोसिस में ही क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं. तो अगर एक ही पेरेंट से अगर आए हैं ये, तो इसे ही बोलते हैं माइटोसिस. इसे, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल का मतलब व्हेन क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम. मियोसिस में सेम रहते हैं ना? मियोसिस में हाफ होते हैं सर. इक्वेशनल डिवीजन गलत पढ़ लिया आपने. तो ये इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है. हाफ हो जाएंगे तो फिर इसमें कैसे हो जाएंगे? फिर तो क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी. मदर मतलब बेबी के छोटे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. ऐसी मियोसिस है. अब देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक मेल है और एक फीमेल है. रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं ना? हाँ रिडक्शन. अब मान लो मेल, अब तुम्हें पता है मेल के जो गैमेट होते हैं वो स्पर्म होते हैं और फीमेल के होते हैं ओवा. अब फीमेल के पास ही 46 क्रोमोसोम है और किसके डैड के पास, जो तुम्हारे मतलब मान लो मेल है, इसके बाद ही 46 है. अब अगर मान लो इन्होंने स्पर्म निकाला माइटोसिस से, तो स्पर्म के पास भी कितने क्रोमोसोम आ गए? 46. मदर के पास भी कितने क्रोमोसोम आ गए? माइटोसिस से क्या होगा? तो अब अगर ये दोनों मिलेंगे तो ये जायगोट कितना बन जाएगा? 92. तो ये तो गड़बड़ हो गई ना. ऐसे करके तो कॉम्पिटिशन चल जाएगा. एक बच्चा कह रहा है मैं 92 का हूँ, दूसरा कह रहा है अभी चलना मैं 180 का हूँ, वो कहेगा मैं 1 करोड़ का हूँ, वो कहेगा मैं तो पूछी मत कितने का हूँ, इनफाइनाइट है मेरा. तो ऐसे करके तो रेस लग जाएगी, आपस में लोग चढ़ जाएंगे, फिर तो जातिवादी सब खत्म. फिर तो लोग दूसरे तरीके से लड़ेंगे कि भाइयों बहनों मेरे पास 55,000 क्रोमोसोम है, तो ऐसे देश को नहीं झुकने दूंगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो बायोलॉजी में ये सब चीजें अलाउ नहीं होती है, तो ये गलत है. इसका मतलब माइटोसिस तो बिल्कुल नहीं हो सकता. हमारे अंदर माइटोसिस होता है ग्रोथ में, बट नॉट इन रिप्रोडक्शन. जैसे मेरे यहाँ के सेल है, यहाँ के सेल है, यहाँ के तीन सेल है, तो इनके पास क्रोमोसोम सेम है या अलग? सेम है ना, क्योंकि मेरी बॉडी में वैसे माइटोसिस हो रही है डेवलपमेंट में. लेकिन अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूंगा, तो मान लो अगर एक मेल है और एक फीमेल है, तो अब अगर तुम्हें बेबी को भी 46 क्रोमोसोम का ही बनाना है, ठीक है, तो बताओ जब इन्हें स्पर्म प्रोड्यूस किया और इन्हें ओवा प्रोड्यूस किया, तो अगर ये 46 था तो अब फादर को सिर्फ कितना देना था? अपना हाफ कॉपी देना था, 23. और ऐसे ही ओवा में कितने जाएंगे? 23. अब 23 मिलके क्या बन जाएंगे? 46. तो बढ़िया हो गया ना. देखो ये भी खुश, सब खुश. तभी तो लोग कहते हैं देखो आंख किस पे गई है, इसके दादा पे गई है, लेकिन इसके लिप्स मेरे पे गए हैं, इसके गाल तो बिल्कुल मेरे पे गए हैं गोरे. इस तरीके से बात करते हैं ना लोग बेबी की. क्यों? तो ये क्यों गया है? क्योंकि 100% कैरेक्टर नहीं है. जिस दिन 100% कैरेक्टर आ गया, तो फिर तो वो कहेगा फिर तो सब कुछ मेरा ही है. भाई ऐसा कैसे हो सकता है 100% फादर 100% मदर? फिर तो गंदी वाली सिचुएशन आ जाएगी.
इसलिए हाफ हाफ जाता है। कभी जो बेबी काफी हद तक रिजेंबल करता है किसी एक पेरेंट से, तो उनमें क्या क्रोमोसोम उनके लिए नहीं वो तुम आगे पढ़ोगे हेरिडिटी वाले चैप्टर में, कुछ डोमिनेंस एक लॉ होता है कि अगर कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो दूसरे कैरेक्टर के सामने हिडन हो जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं हो पाते, तो वो आगे पढ़ोगे हेरिडिटी वाले चैप्टर में, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। लेकिन वो ब्लड ग्रुप्स में भी होता है। बिल्कुल, ब्लड ग्रुप में भी होता है ऐसा। तो बोलो सर, जेंडर इन पे डिपेंड करता है ना क्रोमोसोम्स पे? हाँ, 23rd वाला करता है, 23rd वाला, बाकी सब सेम है भाई। मेल फीमेल में ज्यादा फर्क थोड़ी है, मेल फीमेल में बस एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फर्क है और कुछ हार्मोन्स का फर्क है, लेकिन बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। आँख हमारे पास है, आँख ही सबके पास है, तो इसी तरीके से। हाँ हाँ बोलो बोलो सर। मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था क्लास 8 में कि जो बेबी का जेंडर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फादर के क्रोमोसोम होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने बोला ना वही वाली बात कि हमारे पास क्या होता है 23rd क्रोमोसोम। चलो अब तुमने यार टॉपिक टच कर ही लिया है, तो सर एक्स वाई और वो जिसमें वो एक्स वाई और एक्स एक्स लगाता है 22 और 20 क्रोमोसोम जिसके पास वो सर स्पर्म जिससे करता है, अगर एक्स वाई होता तो फीमेल, एक्स एक्स होता तो मेल। वेरी गुड शाबाश। तो ये मेरे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स का मतलब 46। तो ये एक्चुअली फर्स्ट 22 जो है, फर्स्ट 22 पेयर्स, इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्योंकि ये नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबको कंट्रोल करता है। क्या हेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं? नहीं, नॉर्मल। तो ये ऑटोसोम है। आईज, नोज, माउथ, ऐसी चीजें जो मेल फीमेल दोनों के पास है। क्या हेयर दोनों के पास है? यस। आईज दोनों के पास है, नोज दोनों के पास है, एयर दोनों के पास है, गर्दन दोनों के पास है, हैंड्स। तो ये सब क्या है? ऑटोसोम्स। लेकिन 23rd नंबर वाला, ये फर्स्ट से लेके 22 तो हो गए ऑटोसोम्स, मेल फीमेल दोनों के एक जैसे होते हैं, लेकिन 23rd वाला अलग होता है। अगर ये फादर है तो इसका होगा एक्स वाई, लेकिन अगर वो मदर है तो मदर के, अब मान लो तो अगर ये, मैं तो 23 पेयर्स है मेरे पास, राइट? तो फर्स्ट 22 तो सेम ही होंगे, एज आई टोल्ड यू। ये तो ऑटोसोम तो बिल्कुल सेम होते हैं ना, लेकिन अलग क्या होता है? 23rd वाला, तो ये होता है एक्स एक्स। तो देखो अब ये आधे आधे जाने होते हैं, तो बस फादर ही तो डिसाइड करेगा। ये हम हेरिडिटी में पढ़ेंगे कि अगर फादर के स्पर्म के अंदर एक्स वाला चला गया है तो जो बेबी होगी वो होगी फीमेल, लेकिन अगर वाई वाला गया है तो जो बेबी होगा वो होगा मेल, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला स्पर्म, जब वाई वाला एक्टिव हो जाता है तभी मेल होता है ना, क्योंकि एक्टिव वाला बात नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ ना सिर्फ हाफ ही क्रोमोसोम जाता है। अब ये चीजें हम हेरिडिटी में सीखेंगे, अभी मैं तुम्हें क्रॉसिंग करके नहीं दिखा सकता ना, तुमने क्रॉसिंग करना सीखा ही नहीं अभी तक, हेरिडिटी में पढ़ेंगे। अभी मैंने तुम्हें क्या बोला, सिर्फ हाफ क्रोमोसोम गए। देखो ऊपर देखो एक बार, ये देख रहे हो हाफ क्रोमोसोम, 46 में से सिर्फ हाफ स्पर्म के अंदर, राइट? यस और नो एवरीबॉडी? तो इसका मतलब मेल के पास दो स्पर्म होते हैं, एक होता है एक्स वाला और एक होता है वाई वाला, और फीमेल के पास ओवा हमेशा क्या होता है? एक्स वाला होता है हमेशा ही। देखो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो हमेशा फीमेल एक ही जैसा एग निकालती है। तो अगर एक्स वाला स्पर्म किसमें चला गया? ओवा में, तो फीमेल हो जाएगी, लेकिन अगर वाई वाला स्पर्म चला गया एक्स के अंदर तो वो मेल हो जाएगा, बेबी हो जाएगा मेल। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। नहीं आया समझ? यस सर। तो इसीलिए ये सब होता है मियोसिस। तो ये हम सीखेंगे किसके अंदर? हेरिडिटी के अंदर। कोई भी डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? माही? नो सर। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा एक इंट्रोडक्शन। तो अब हम आ रहे हैं अपना सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पहली बात तो एक ही पेरेंट चाहिए होता है, तो ये ना हम सबसे पहले प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो अब ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लेके चलते हैं। तो देखो हमारे पास ना एसेक्सुअल के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब वो जैसे तुमने सुना होगा, ये मेरे पास अमीबा होता है, तो अमीबा क्या करता है? बाइनरी फ्यूजन, क्योंकि वो अपनी बॉडी में से टूट जाता है, राइट? तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे टाइप के, बाइनरी फ्यूजन हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के बाद मेरे पास स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है, बडिंग भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के मेरे पास क्या होते हैं, टाइप के प्रोसेस होते हैं जिनके नाम तुम्हें पता होने चाहिए। आई विल शो यू दी डायग्राम ऑल्सो। तो ये मेरे पास फिशन है, ये टाइप्स हैं, फिशन मतलब टूटना, फ्रेगमेंटेशन, ये जैसे ये कोई ये मान लो ये मेरा पेन है और ये पेन ऐसे करके टूट गया, ऐसे इस तरीके से, तो ये क्या है मेरे पास? फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है।
तो ये फ्रेगमेंटेशन, ऐसी कुछ लोगों, कुछ जैसे प्लेन एरिया होता है वो अगर कहीं से टूट जाए तो वो कहीं अपने आप पूरा बन जाता है, तो उसे बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। ऐसे मेरे पास बडिंग होता है, एक छोटा सा बड निकल के आता है वो पूरा बड़ा बन जाता है, बडिंग। ऐसे प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एक नॉर्मल पार्ट से ही नया प्लांट आ जाता है। और फंगस के अंदर क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। यस यस, रीजनरेशन। जैसे आपने बोला कि सर कोई भी सरफेस पर अगर कोई चीज सर नहीं मतलब टूट जाती तो फिर नई चीज आ जाती है, तो सर लिजर्ड्स में ऐसा क्यों होता है? मैंने पहले ही बोला ना, जैसे मान लो हमारे एक सेकंड, हमारे चोट लग जाती है, तो हमारी चोट लगती है तो वो चोट जब लगती है तो कुछ कुछ पार्ट हमारा पूरा डेवलप हो जाता है राइट, कुछ टाइम बाद। उसी तरीके से उनका वो वाला मैकेनिज्म है रीजनरेशन वाला। लेकिन अगर उनकी पूरी बॉडी काट दी जाए तब वापस नहीं आएगा, सिर्फ पूंछ तक रीजनरेशन वाली एबिलिटी है उनके पास। yes, तो पूरा पार्ट अगर तुम उसे गर्दन काट दोगे तो गर्दन नहीं आएगी दोबारा निकल के, तो इसीलिए तो कुछ पार्ट तक के अंदर वो एबिलिटी रिस्टोर होती है, हर किसी के अंदर नहीं होता है। तो प्लेन एरिया एक ऐसा है कि उसकी पूरी बॉडी में ही होता है, अगर वो कहीं से भी कटेगा तो वहां से वो बहुत सारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो जिस तरीके से हमारी बॉडी में हीलिंग पावर है, मतलब देखा जाए चोट जब लगती है, कभी कभी डॉक्टर कहते हैं ना कि ये टांग काटनी पड़ेगी या ये अपने आप ठीक हो जाएगी या टांगे लगाने पड़ेंगे, तो वो वही होते हैं, हमारे पास सेल्स होते हैं ऐसे डिवाइडिंग वाले, तो अगर जो चोट वहां तक लगी कि वहां पे वो अपने आप रिपेयर कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मे बी कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक बार तुम लोगों को कुछ दिखा देता हूँ। यस, फिर मतलब अगर वो डेंड्रेट सेल्स नहीं कर पाएगा तो उस ऑर्गन को हटा दिया जाएगा, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखो अब मेरे पास, मैं कुछ वीडियो दिखा देता हूँ, तो इससे तुम्हें आसानी रहेगी कि कैसे किस तरीके से होता है। तो अमीबा का तो जानते ही होगी, टेढ़ा मेढ़ा। देखो सबसे पहले ना एक चीज का हमेशा याद रखना है, क्या कि सबसे पहले हमेशा बाहर से नहीं अंदर से चीजें होती है। तो मेरे पास पहले क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है, तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनाइसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनाइसिस। और फिर उसके बाद वो क्या होता है मेरे पास, साइटोकाइनाइसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और फिर पूरी की पूरी बॉडी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरे पास चीजें चलती रहती है। तो मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या क्या बोला है वैसे, सक्षम कितने टाइप के, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, किसी में रीजनरेशन होता है, किसी में बडिंग होता है, किसी में वेजिटेशन बडिंग, वेजिटेटिव बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। तुम लोगों को आवाज आई कुछ? कैरियोकाइनाइसिस एक बार स्पेलिंग रिपीट कर। हाँ हाँ मैं लिख देता हूँ, जस्ट गिव मी वन सेकंड। तो मेरे पास पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है एज आई टोल्ड यू, और उसके बाद फिर मेरे पास हाँ भाई, तो मैंने बोला अगर मेरे पास एक अमीबा है ऐसा, ये न्यूक्लियस होता है इसका, ठीक है। तो जब ये बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो पता है क्या होगा, तो इसका सबसे पहले, ये अमीबा तो है मेरे पास, तो इसका पहले ना न्यूक्लियस डिवाइड होने लग जाता है धीरे करके, इस तरीके से। तो ये न्यूक्लियस दो हिस्सों में बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके क्रोमोसोम की डबलिंग हो चुकी है भाई, माइटोसिस करेगा ना ये, तो एसेक्सुअल है। फिर जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो फिर इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लग जाएगा, तो फिर इसकी बाहर वाली बॉडी भी ऐसे से डिवाइड होने लग जाएगी। अब इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया ऑलमोस्ट, फिर ये भी ये साइटो कैरियोकाइनेसिस हो गया, अब साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो ये जो तुम देख रहे हैं ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब कैन आई से डिवीजन इन न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म इक्वल इक्वल बढ़ रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। नहीं आ रहा कुछ समझ में प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये इस तरीके से दो हिस्सों में बटा है, तो ये बाइनरी फ्यूजन है। ऐसी कुछ ऑर्गेनिज्म भी होते हैं पैरामेशियम, वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है। ऐसी एक लेस्मेनिया होता है, वो भी ऐसे डिवाइड होता है। तो आई एम गोइंग टू शो यू अबाउट दैट। लेस्मेनिया तो वही होता है ना, कालाजार का वो। हाँ हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यस। इसी तरीके से हमारे पास मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें प्यारे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप की चीजें अब तुम देखने वाले हो, ठीक है। यस, सब लोग अगर वीडियो देखे, वीडियो ऑन कर लेंगे तो बेटर रहेगा।
ये सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो, देख रहे हो इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म निकलते जा रहे हैं, ये वैसे बैक्टीरिया हैं, बैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से एक से दो, दो से चार। ठीक है, दही के अंदर देखा है ना लैक्टोबैसिलस ही होता है, तो ये मेरे पास एक से दो, दो से चार ऐसे बढ़ते रहते हैं दही के अंदर। थोड़ा सा डालते हो वो खट्टा बोलते हो और फिर वो पूरी की पूरी दही बन जाती है, तो वो इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फिशन के बारे में। फिशन किस किस में होता है? अमीबा एंड पैरामीशियम। देखो ये अमीबा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, ये कैरियोकाइनेसिस। और अब क्या हो रहा है, ये साइटोकाइनेसिस। अब ये दो हो गए, तो देखो ये इस तरीके से फाइनली क्या हो गया, तो ये मेरे पास दो अमीबा बन गए। तो ये इस तरीके से कीप्स ऑन कंटिन्यू होता रहता है। देखो फिर से दो हो गए, फिर से इस तरीके से चार चार होता जाए। तो ये अभी जो हमने देखा, ये क्या था मेरे पास? बाइनरी फिशन था। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। अब ये जो देखो, अब ना ये मेरे पास देखो, ये स्पायरोगायरा है ना, इस स्पायरोगायरा के अंदर होगा फ्रेगमेंटेशन। जैसे मैंने अभी दिखाया था, ये था एक बॉडी, मान लो ये ऐसी बॉडी है और ये अपने आप ही दो हिस्सों में बढ़ जाए ऐसे, तो ये क्या हो गया मेरे पास? फ्रेगमेंटेशन। तो ऐसे कोई भी एक ही चीज होती है दो हिस्सों में बढ़ जाए, फ्रेगमेंट, दो फ्रेगमेंट बढ़ जाना। ठीक है, कोई ऐसे न्यूक्लियस व्यूक्लियस पहले वो नहीं हुआ है यहाँ पे, या पूरी बॉडी पहले बढ़ गई। हाँ, पूरी बॉडी ही दो हिस्सों में बढ़ गई है। तो देखो ये फ्रेगमेंटेशन है, होगा स्पायर वगैरह के अंदर। देखो देख रहे हो दो हिस्सों में बढ़ गई। तो ये था मेरे पास फ्रेगमेंटेशन। ऐसी एक फ्लैट वॉर्म है, फ्लैट वॉर्म भी ऐसे करके बड़ा होता चला जाता है। ये बडिंग है, देखो बडिंग में क्या होता है मेरे पास, एक ना छोटा सा बड निकल के आता है। जैसे मान लो मैं बताऊं, जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, उसके सर पे मान लो कोई चीज निकल के आ गई ऐसे। जब कोई बच्चा नीचे गिर जाता है, कुछ निकल के आता है ना अच्छा अच्छा सा, तो मान लो वो कुछ ज्यादा बड़ा निकल के आया है। ठीक है, और वो नीचे गिर गया, अब टूट के, और वो जमीन पे गिरा, अब वहां से एक नया ऑर्गेनिज्म निकल के आ गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। तो देखो ये मेरे पास एक हाइड्रा है, तो हाइड्रा पे देखो बड दिख रहा है, ये येलो येलो कलर का नीचे की साइड, देखो ध्यान से देखना। तो ये इस साइड जो है वो ईस्ट है, फंगस, और ये इस साइड क्या है मेरे पास? हाइड्रा। तो ये बड देखो टूट के नीचे गिर गया और अब ये नया पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे ध्यान से देखें, ये एकदम लेफ्ट साइड में क्या है? ईस्ट, फंगस, वो भी बड निकालता है और ये भी बड निकालता है। देखो बड़ा हो गया और ये टूट के गिर जाएगा और वहां पे एक नया पूरा बना देगा। ऐसी फंगस में भी होता है बहुत ज्यादा। ये ईस्ट का तुमने देखा, ईस्ट भी क्या बना रहा है अपने आप में, ये एक तरह से देखो बड बनाया है इसने, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और ये बड आगे जाके क्या हो जाएगा? पूरा ग्रो कर जाएगा। फिर इसके साथ भी तो वही हो, फिर बिल्कुल कर सकते ऑफ कोर्स। तो पहले मेरे पास कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, फिर साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तो ये तो हर सेल डिवीजन के लिए होता ही है। ऐसे ये मेरे पास क्या है? हाइड्रा है। तो हाइड्रा में अभी तुम लोगों ने देखा बड निकलता है, बड बड़ा होता है और फिर जहां पे गिरता है वो वहां पे एक नया पूरा बना लेगा। अब ये मेरे पास फंगस है, एक फंगस है वो स्पोर था, उसने स्पोर गिराया, अब ये स्पोर वहीं पे जहां पे जर्मिनेट करता है वो बड़ा हो जाएगा, फिर आगे जाके ये भी स्पोर निकालेगा और ऐसे करके अपने नंबर बढ़ाएंगे। जैसे ब्रेड मोल्ड देखा है, अगर ब्रेड रखते हैं पानी के में ऐसे रखा हुआ तो उसमें कुछ लग जाता है ना फंगस, फंगस सा, दो चार दिन बाद देखते हैं तो उसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं, उसमें फंगस लग जाती है, खाना नहीं चाहिए उसे। ठीक है, तो ये मेरे पास अलग अलग टाइप के क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, कोई मेल फीमेल नहीं चाहिए। अब ये प्लेन एरिया है मान लो एक तरह से, तो ये दो तीन हिस्सों में मान लो अपने आप बढ़ गया और अब ये तीनों हिस्सों में क्या हो जाएंगे? नए नए ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। तो तीन हिस्सों में बढ़ने के बाद अगर वो अब तीन नए ऑर्गेनिज्म बन जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है मेरे पास? रीजनरेशन। अब मेरे पास आ रहे वेजिटेटिव प्रोडक्शन, ये प्लांट के अंदर होता है। देखो प्लांट का कोई भी पार्ट जो नया प्लांट बना दे, जैसे मान लो लीफ है एक छोटा सा पार्ट, या मान लो तुमने रोज को कट किया वहां से एक नया आ गया। पोटैटो के अंदर ये देखा है छोटे छोटे हिस्से, इसको हम आइस बोलते हैं। अगर तुमने इसे जमीन के अंदर रखा तो यहीं से एक नया प्लांट निकलने आ जाएगा। यस,
तो ये जो मेरे पास है इनको माइस बोलते हैं, अगर तुमने इसे जमीन के अंदर रख दिया तो ये यहाँ से नया प्लांट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आईस क्या है, आईस से ही मेरे पास ऐसे नए नए प्लांट आने। ऐसे जिंजर भी होता है, जिंजर के अंदर लास्ट लास्ट में ये बने होते हैं, ठीक है, इसे हम राइजोम बोलते हैं, राइजोम। तो राइजोम ऐसे तरीके से मेरे पास वो होता है अनियन, अनियन को अगर तुमने सॉइल में रखा तो इस तरीके से प्लांट देती रहेगी और वो खुद बड़ी होती रहेगी। तो ये सब क्या है, तो क्या इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है? नहीं, तो वो तो इनकी किसी बॉडी पार्ट से निकल के आ रहा है ना, तो जब इनकी किसी बॉडी पार्ट से निकल के आता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो हमारी बॉडी में दो पार्ट है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। क्या ये सेक्सुअल पार्ट का यूज कर रहा है कुछ? नहीं, नॉर्मल वेजिटेटिव। जैसे मान लो कोई, मान लो किसी का कोई भी हाथ है, हाथ से एक नया ऑर्गेनिज्म निकल के आ जाए तो वो क्या माना जाएगा, वेजिटेटिव। तो इसी तरीके से, ठीक है, तो ऐसी तरीके से मेरे पास रोज होता है, जैस्मिन होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम इनको काट के लगाते हैं प्लांट में, या इनको देखो, ये देखो लेयरिंग हो रहा है, ये जैस्मिन का प्लांट था हमने नीचे कर दिया, अब बस जमीन से टच हो के वो दोबारा से निकल के आ जाता है। ध्यान से देखना हमने क्या करा, सारे बच्चे ध्यान से देखना, अगर मैं ये जैस्मिन था हमने इसे टेढ़ा करके सॉइल में लग दिया तो अब सॉइल से नया प्लांट निकल के आता है। ऐसी ब्रायोफाइलम होती है, देखो छोटी छोटी पत्तियां दिख रही है ये ब्रायोफाइलम की लीफ के ऊपर, छोटी छोटी पत्तियां। अगर ये पत्तियां तुमने सॉइल पे गिर जाएंगे तो ये पूरा नया प्लांट बना देंगे। ये बड़ी देखो गिर गई है, अभी जहां पे गिरेगी वहीं पर एक नया प्लांट बन के आता रहेगा, देखना। तो जहां पे गिरी अभी बड़ी होती जाएगी और नया प्लांट बना देगी, ठीक है। ऐसी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, इस पूरे वेजिटेटिव के अंदर। जैसे गन्ने को हम लगा देते हैं, किसका रोज का, हाँ कटिंग होता है, कहीं से भी काटो और लगा दो सॉइल में तो नया प्लांट आ जाता है, ठीक है। तो ये सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हैं। आई होप कि एक बेसिक आइडिया तुम लोगों को लग चुका होगा। देखो ये देखो कट कर दिया, स्पोर फॉर्मेशन कौन सा होता है? फंगस का होता है, फंगस का स्पोर फॉर्मेशन, फंगस का होता है। फंगस जो होते हैं वो अपने स्पोर निकालते हैं और स्पोर निकालने के बाद फाइनली जहाँ पे वो गिरते हैं तो वहां पे नया नया फंगस क्रिएट कर देंगे। तो फंगस बडिंग भी, मतलब कुछ फंगस बडिंग भी कर लेते हैं? बिल्कुल, ईस्ट, ईस्ट जैसे कि ईस्ट करता है बडिंग। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ध्यान रखना ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात है, और जितने भी है मेरे पास ये जो तुम फंगस देखते हो, बैक्टीरिया देखते हो, इनके लिए फिक्स नहीं है, वैरायटी ऑफ रिप्रोडक्शन मोड है। अपनी सहूलियत के हिसाब से हर कोई ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के मोड कर लेता है, ठीक है। तो ये जो तुमने यहाँ पे देखा ये क्या हो रहा है, फिशन, एम आई राइट एवरीबडी? ऐसी अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा वो? स्पायरो वगैरह का जो स्ट्रक्चर मान लो इस तरीके से है, और अगर ये आगे जाके कितने में बढ़ जाए? दो पार्ट में। एक्चुअली डायग्राम थोड़े प्रॉपरली बना रहे हैं, मैं अभी रफली बना रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को जब तुम एग्जाम में बनाओगे तो तुम्हें प्रॉपरली पता होना चाहिए कैसे कैसे करना होता है, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने ऊपर क्या बनाया, ये बाइनरी फिशन बनाया ना हमारी बॉडी में, एक ना जैसे बताया था ना मैंने, एक साइकिल बताई थी, अटेंड करी थी वो नीट वाली क्लास। यस सर। तो हमने बताया था प्लाज्मोडियम मलेरिया, याद है मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, मैंने बताया था ना। वेरी गुड। तो वो था फिलेरियस के लिए। तो देखो मैंने बताया था वो हमारे पहले लीवर को इन्फेक्ट करते हैं और फिर रेड ब्लड सेल को, तो वो एक था याद आया, स्पोरोजोइट था वो। तो जब वो स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में एंटर करा था तो उसने बहुत सारे बनाए थे या एक ही था? सर बहुत सारे, मल्टीपल थे। तो बहुत सारे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिशन, ठीक है। जब एक से बहुत सारे बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिशन, और जब एक से दो बने तो बाइनरी फिशन, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। ऐसी मेरे पास पैरामीशियम भी होता है, तो पैरामीशियम ना लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है। मान लो अगर ये है तो वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है इस तरीके से, और वो दो हिस्सों में बढ़ता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनली बन के वो जैसे दो हिस्सों में डिवाइड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनली ऐसे सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है। Is that clear everybody? Longitudinally fission? Yes, sir. Example क्या है longitudinal fission का? Paramecium, paramecium, leishmania, paramecium and leishmania.
लॉन्गिट्यूडनल आपने सर अभी बताया था लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, तो लॉन्गिट्यूडनल मल्टीपल फिजन भी होता होगा? नहीं नहीं नहीं, मल्टीपल फिजन से मल्टीपल फिजन है उसमें कुछ लॉन्ग, वो खुद इतने छोटे छोटे से होते हैं उसमें क्या लॉन्गिट्यूडनल होगा और क्या ट्रांसवर्स होगा, वो खुद इतने छोटे हैं। ठीक है ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो मेरे अच्छा, और मल्टीपल फिजन के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? प्लाज्मोडियम। वेरी गुड, प्लाज्मोडियम में होता है। बडिंग के लिए, अब जैसे मैंने बडिंग का बताया था ईस्ट और हाइड्रा, रिमेम्बर? यस सर। तो वो क्या बनाते हैं, छोटा सा बड बनाते हैं और फिर वो उससे डिटैच हो जाता है और फिर वो पूरे के पूरे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो यहाँ से निकलता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, और फिर जमीन पर टच करके फिर ये दो बन जाते हैं, एम आई राइट? तो इस तरीके से, तो ये बडिंग मैं पूरा प्रॉपरली नहीं बना रहा हूँ, तो डायग्राम तो तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगा। ऐसे मेरे पास एक ईस्ट होता है, इसके ऊपर एक छोटा सा बड निकलता है, डिटैच होता है और फिर फाइनली मेरे पास कितने हो जाते हैं, ये दो हो जाते हैं, दो ईस्ट। एम आई राइट पीपल? Yes. तो इनके नाम याद रखने हैं, तो मेरे पास बडिंग इन ईस्ट होता है, बडिंग इन हाइड्रा होता है, ये एग्जाम्पल तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है। ऐसी रीजनरेशन का मैंने क्या बताया, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया किसके अंदर था कोई बता सकता है 9th क्लास में? एसएल मेंटिस या प्लेटियल मेंटिस? क्योंकि वो ऐसा होता है, फ्लैट होता है, राइट, तो मान लो ये ऐसा है भूत जैसा दिख रहा है, ठीक है, मान लो ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, राइट, तो जब ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा तो एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, तो अभी तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ऐसे ही रहेगा ये, तो यहाँ पे अभी पूरी बॉडी नहीं बनकर आएगी, इसकी ये वाला पोर्शन है, हाँ बिल्कुल, या मान लो कहीं भी जग लग गया, मान लो कुछ भी हो गया, खिंचाव हो गया इसकी बॉडी में, कहीं भी जग लग गया या अपने अपने आप कहीं पे टकरा गया, तो कुछ भी हो सकता है, अपने आप भी और तुम चाहो तो तुम भी करवा सकते हो, पर इतना छोटा होता है तुम क्या ही करवाओगे। तो ये मेरे पास क्या है, ये है रीजनरेशन इन प्लेन एरिया, रीजनरेशन। नहीं, दो में भी हो सकता है, चार में भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में तीन करके दिखा रखा है इसलिए तीन ही लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है, तीन नहीं, दो में भी हो सकता है, चार में भी हो सकता है, पांच में भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कहां से वो डिवाइड होना चाह रहा है। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन जो होता है ना, याद रखना, फ्रेगमेंटेशन मोस्टली प्लांट के अंदर देखा गया है और जो रीजनरेशन होता है वो मोस्टली एनिमल्स के अंदर देखा गया है, ठीक है, याद रखोगे सब बच्चे? तो री देखो, फ्रेगमेंटेशन तो हमेशा रिप्रोडक्शन होता ही होता है, लेकिन क्या रीजनरेशन हमेशा रिप्रोडक्शन होगा? लिजर्ड के अंदर, लिजर्ड जो है छिपकली, छिपकली के अंदर भी रीजनरेशन होता है, तो क्या उसको रिप्रोडक्शन बोल दोगे तुम लोग? नहीं, उसकी छिपकली की छिपकली बनकर आएगी अब? नहीं, ठीक है, कुछ लोग छिपकली के साथ पूंछ के साथ खेलते हैं, उसकी पूंछ हिलती रहती है ना थोड़ी देर तक, तो उसको छेड़ते हैं उससे उधर तो भगाते रहेंगे, ठीक है, तो वो सब नहीं करना है और कोई नई छिपकली नहीं आती है, ठीक है। हर्षिता, पानी आ गया मुंह में छिपकली के नाम से? कंटिन्यू योरसेल्फ? नो सर। ठीक है, मैंने कहा बोतल में पानी भर दिया वाला कि बाद में पीऊंगी। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रीजनरेशन, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये सब क्या थे अब तक हमारे, तो ये थे हमारे एसेक्सुअल के बारे में। अब देखो, एक एक मैंने बताया स्पोर फॉर्मेशन, एक मेरे पास स्पोर फॉर्मेशन होता है फंगस के अंदर, उसे हम राइजोपस बोलते हैं, ठीक है, तो वो राइजोपस के ऊपर ना एक कवरिंग होती है, वो प्रोटेक्शन का काम करती है एक्चुअली में, एक थिक लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है और उसके अंदर बहुत सारे स्पोर बनते हैं, जैसे हमारे अंदर गैमेट्स बनते हैं ऐसे इनके स्पोर बनते हैं। अगर मान लो बहुत ज्यादा, मान लो गर्मी पड़ रही है या बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, तो इनको प्रोटेक्ट चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। जैसे मान लो ह्यूमिडिटी आती है, ये अपने वॉल को फाड़ लेते हैं, रप्चर कर लेते हैं और फिर ये स्पोर जाएंगे और ये जमीन के ऊपर, तुम्हारे मुंह के ऊपर, कभी कभी खुजली नहीं मस्ती बाहर जब जाते हैं तो ऐसे ऐसे, तो क्यों, क्योंकि तुम्हारे मुंह पे स्पोर आ गया है, फंगस आ गया है, तो इसीलिए, क्योंकि ये हवा में रहते हैं ह्यूमिडिटी के टाइम पे और जहां पे गिरेंगे वहां पे नया फंगस आ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर।
तो ये मेरे पास कुछ है, तो वेजिटेरियन तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नाम क्या है? राइजोपस, राइजोपस ये फंगस है, ये ब्रेड के ऊपर लग जाता है ना, ब्रेड मॉल्ट, राइजोपस। ठीक है, तो ये राइजोपस, वैसे ये जो पूरा पूरा एक सैक है ना, इसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। ऐसे स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? इसके अंदर होते हैं स्पोर्स। तो जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है, गंदी वाली कंडीशन है, वो स्पोर अंदर रहेंगे बाहर रहेंगे? हाँ, जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे बारिश वारिश होगी तो फट के बाहर आ जाएंगे। तो ये जो स्पोर है, ये फंगस के अंदर देखे गए हैं, बैक्टीरिया के अंदर देखे गए हैं, और कुछ प्लांट के अंदर भी देखे गए हैं। तुमने पढ़ा होगा ना कि सिर्फ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म सीड प्रोड्यूस करते हैं, बाकी तो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये वही वाले स्पोर्स हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये प्लांट के अंदर भी देखे गए हैं। तो ये किसके अंदर होते हैं स्पोर? व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर? स्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये स्पोर बाहर कब आएंगे, किस कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? सही, ह्यूमिडिटी। फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा इनके साथ, क्या चीज करने से आएंगे बाहर? सर इनके मतलब इनके हिसाब से पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए बाहर का। जब आउटर वॉल बस्ट करेगी, फटेगी, वो जो आउटर थिक लेयर है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जब वो फटेगी तभी तो आएगा कोई। क्या तुम किसी माला तुम्हें रूम के बंद कर दिया बिना गेट के बाहर आ जाओगे कि तुम्हें तो जिम बतूता गायब होकर बाहर आके उधर से आ जाओगे? ऐसा नहीं है, सुन परी थोड़ी है कुछ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए उसको फटना ही पड़ेगा। एनी डाउट इन दिस पीपल? नो सर। ठीक है, तो ये आज जो हमने पढ़ा है, देखो इनके डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में मैं लिखवाऊंगा अभी। ठीक है, जो चीज हमने डिस्कस करी है। तो तुम्हारा ये आज का होमवर्क है कि जितने भी डायग्राम है ए सेक्सुअल के, अभी वो नहीं करना है वेजिटेटिव वाला, बस ए सेक्सुअल के डायग्राम प्रॉपरली बनाने हैं। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कल क्लास होने से पहले पहले मुझे सब भेजेंगे। ठीक है, तुम्हारा एक वाला होमवर्क भी था, वो मैंने नोट कर रखा है, ध्यान रखना एक्शनों का, और एक ये सेक्सुअल वाला। ठीक है, डायग्राम प्रॉपरली अच्छे से बनाने हैं, अपने आप प्रैक्टिस करिए मेरे लिए। कल क्लास है। हाँ, बना के भेजने अच्छे से। ठीक है, अपने लिए बनाना, मेरे को मत दिखाने के लिए मत बनाना कि सर को अच्छा लगे, अपने लिए बनाओ, प्रैक्टिस करो उससे, अपनी प्रैक्टिस को ही बस मुझे दिखाना है। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस करनी है अच्छी वाली, गंदी तरीके से मत कर देना कि सर आपने बोला था अपने लिए बनाना है तो हम तो ऐसे बनाते हैं। अच्छा बनाना, ठीक है, ज्यादा स्टाइल मानने की जरूरत नहीं है, तो अच्छा बनाओ लेबलिंग के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर।